बुरहानपुर शहर की लालबाग पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। लालबाग पुलिस थाना टीम ने अवैध मादक पदार्थ गांजे के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को धर दबोचा है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर महाराष्ट्र की बॉर्डर राबेर की ओर से मध्य प्रदेश बुरहानपुर आ रही कार, जिसमें ड्राइवर सहित 3 लोग शामिल थे, पुलिस अधीक्षक के निर्देश और लालबाग थाना प्रभारी के नेतृत्व में वादलपुर मुस्लिम कब्रिस्तान के पास सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को सुनियोजित तरीके से रोका गया और वाहन की तलाशी ली गई। उपरोक्त तीनों आरोपियों के पास से 7 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 51,800 रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस लालबाग पुलिस ने जो अपना चेकिंग पॉइंट था वो चेकिंग पॉइंट शुरू से चौराहे जगह चेकिंग पॉइंट ने 7 किलो गांजा पकड़ा हुआ है। इसके अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और लगभग 7 किलो के आसपास गांजा पकड़ा हुआ है। ये जो उसमें से 2 व्यक्ति जो थे वो महाराष्ट्र के डोंबिवली के रहने वाले हैं, वहाँ से ये लोग आए थे और इन लोगों ने जो है यहाँ का बुरहानपुर का एक व्यक्ति जो बिचौलिया था जाहिर करके उसके थ्रू माल खरीदा था। आगे इसने कहाँ से खरीदा, क्या क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो चार्ली है जिसके अंदर मनोज चौहान और सतीश पटेल और एक सब इंस्पेक्टर अजय चौहान और थाना प्रभारी जिनके एक्टिव नेतृत्व में ये सब काम हुआ है, इन सभी को इनाम देकर बाजार मूल्य जो है वो लगभग 50,000 के आसपास है और NDPS 8/20 NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आज इनको जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लेंगे, रिमांड लेके पूछताछ करके अगली कार्यवाही करेंगे।